नमस्कार, मैं प्रिया। आज 7 सितंबर, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,47,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर 1,797 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या बढ़कर 1,47,658 पर पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 151, अरवल में 17, औरंगाबाद में 60, बांका में 14, बेगूसराय में 35, भागलपुर में 89, भोजपुर में 26, बक्सर में 15, दरभंगा में 36, पूर्वी चंपारण में 44, गया में 38, गोपालगंज में 49, जमुई में 37, जहानाबाद में 24, कैमूर में 11, कटिहार में 26, खगड़िया में 13, किशनगंज में 20, लखीसराय में 65, मधेपुरा में 50, मधुबनी में 68, मुंगेर में 22, मुजफ्फरपुर में 63, नालंदा में 28, नवादा में 22, पटना में 214, पूर्णिया में 86, रोहतास में 44, सहरसा में 61, समस्तीपुर में 44, सारण में 69, शेखपुरा में 18, शिवहर में 10, सीतामढ़ी में 44, सिवान में 31, सुपौल में 76, वैशाली में 22, पश्चिम चंपारण में 54। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार ठीक होने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके तहत कुल मिलाकर 1,30,300 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक 754 लोगों की जान जा चुकी है। सीतामढ़ी में सरकारी दीवारों पर बनाई जा रही है मिथिला पेंटिंग। बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्मार नाले स्थित सभी सरकारी कार्यालय में मिथिला पेंटिंग बनाने की पहल शुरू कर दी गई है। इस दौरान सभी सरकारी इमारतों की दीवारों पर पेंटर द्वारा मिथिला पेंटिंग की कलाकृतियों का चित्रण किया गया है। मौके पर डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने भी पूरे काम के विधि का निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार अब सभी सरकारी दीवारों पर मिथिला पेंटिंग की कलाकृतियां बनवा रही है। डीएम ने जानकारी देते हुए बताया है कि जिले के सभी सरकारी भवनों पर मिथिला पेंटिंग की कलाकृतियां तैयार हो रही है। इसका मुख्य उद्देश्य मिथिला पेंटिंग का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करना है। बिहार में एनजीटी के आदेश की हुई अनदेखी। बिहार में सभी औद्योगिक क्षेत्र में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था करवाई जानी थी। इसके लिए नए इंडस्ट्रियल एरिया में 5% जमीन कचरा प्रबंधन के लिए छोड़ने के आदेश भी दे दिए गए थे। इस पर प्लांट लगाने की संभावना जताई गई थी, मगर ऐसा हुआ नहीं है। किसी भी प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अभी ऐसे प्लांट स्थापित नहीं किए गए हैं, जिसके बाद एनजीटी ने भी औद्योगिकी क्षेत्र में कचरे के अलग से निस्तारण की व्यवस्था करने का आदेश जारी किया था, मगर अभी तक एनजीटी के आदेश को अनदेखी की गई है। हालांकि कचरा प्रबंधन को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल काफी गंभीर है। 7 सितंबर से 5 लाख उपभोक्ताओं के घरों में लगाया जाएगा स्मार्ट प्रीपेड मीटर। विद्युत विभाग ने निर्णय लिया है कि राजधानी पटना में करीब 5 लाख बिजली उपभोक्ताओं के घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम शुरू किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 7 सितंबर यानी कि आज से होने वाली है। बिजली कंपनी के पदाधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार मीटर लगाने वाली एजेंसी को तैयारी शुरू करने का निर्देश दे दिया गया है। लॉकडाउन की वजह से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम बीते दिन बंद कर दिया गया था। 50,000 कमर्शियल उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम पूरा किया जा चुका। वहीं 7 सितंबर से मुहिम चलाकर घरेलू और व्यावसायिक सभी तरह के उपभोक्ताओं का मीटर बदलवाने की तैयारी की जा रही है। आज बिहारी पर्यटन स्थल में हम बात करेंगे सासाराम की। ऐतिहासिक रूप से बिहार का रोहतास जिला पूर्व मौर्य काल में 6 शताब्दी ईसा पूर्व में 5 शताब्दी ईसा पूर्व का मगध साम्राज्य का हिस्सा है। यहाँ सम्राट अशोक का छोटा सा शिलालेख है जो यह बताता है कि यह स्थान मौर्य का शासन है। 1857 के समय में रोहतास में बड़ी हलचल हुई थी जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी और तब रोहतास शाहबाद जिले का एक हिस्सा था। फिर 1972 में इसे स्वतंत्र जिला घोषित कर दिया गया था। वहीं सासाराम रोहतास पर्यटन का मुख्य आकर्षण है। उनमें सबसे पहला नाम आता है रोहतासगढ़ किले का, जो अकेला एक उत्कृष्ट नमूना है और मुगल काल की वास्तुकला के बारे में बताता है। रोहतास में बहुत कम मंदिर है और एक मस्जिद है। यहाँ चाचा फगु मल साहिब जी का गुरुद्वारा है, जो एक पवित्र स्थान माना जाता है। घर लौटे प्रवासियों के लिए मोती की खेती बना सुनहरा अवसर। कोविड-19 माहौल के बीच घर लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए मोती की खेती का सुनहरा अवसर मिला है। जिला के दलसिंह सराय वार्ड संख्या 2 निवासी राजकुमार शर्मा ने साल 2017 में जब अकाउंटेंट की नौकरी छोड़ी तो मोती की खेती शुरू की थी, जिसके बाद लोगों ने उन्हें उस वक्त काफी कुछ सुनाया था, लेकिन कुछ नया करने की सोच लेकर उन्हें भुवनेश्वर और जयपुर में इसका प्रशिक्षण भी दिया था। आज वो एक बड़े पानी के टैंक में सीप डालकर मोती की खेती करते हैं, साथ ही इसका प्रशिक्षण भी देते हैं। कोविड-19 के माहौल में प्रशिक्षित देना भी उन्होंने शुरू किया है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे प्रणति रॉय प्रकाश की। प्रणति रॉय प्रकाश एक भारतीय मॉडल और अभिनेत्री हैं, जिन्होंने कई मॉडलिंग शो में भी अपना परचम लहराया है। इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल में उन्होंने अपना कीर्तिमान स्थापित किया था। इसके अलावा वो मिस इंडिया कॉम्पिटिशन की भी हिस्सा रह चुकी थी। मॉडलिंग की दुनिया में अलग अलग मंचों पर बिहार का नाम रोशन करने वाली प्रणति रॉय प्रकाश का जन्म 20 सितंबर 1994 को राजधानी पटना में हुआ था। प्रणति ने अपने करियर में हिंदी फिल्म फैमिली ऑफ ठाकुरगंज में भी काम किया था। उन्होंने अपने करियर में साल 2015 में प्रगति ने मिस
इंडिया कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया था, जहाँ पर उन्होंने 5 टाइटल अपने नाम किए थे। वहीं इस कॉम्पिटिशन में वो सेमीफाइनलिस्ट रही थी। नवादा के 107 शिक्षकों की जल्द ही जाएगी नौकरी। नवादा जिले के वारिसलीगंज प्रखंड के दूसरे चरण 2008 के रिक्तियों के दौरान गलत तरीके से नियुक्त किए गए 2018 के 107 शिक्षकों की नौकरी जानी तय मानी जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार इस बाबत जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने भी BDO को पत्र जारी कर दिया है। नियोजन को गलत बताते हुए सख्ती से पेश आने को कहा गया है। संबंधित विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों को भी पत्र भेज दिया गया है, जिससे संबंधित शिक्षकों के काम नहीं लेने और भविष्य में किसी प्रकार की वित्तीय बोझ पड़ने पर खुद जवाबदेह होने की बात कही है। बिहार में बूथ से प्रदेश तक ऑनलाइन हुई भाजपा। बिहार में बूथ से प्रदेश तक भाजपा ऑनलाइन हो गई है। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन प्रचार की शुरुआत हो चुकी है। भाजपा के नए ऑनलाइन प्रचार के तहत सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जोर लगा है। भाजपा की योजना केंद्र और राज्य के विकास योजनाओं की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाने की है, जिसको लेकर भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि पार्टी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से चुनाव में प्रचार प्रसार करने वाली है। विकास के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी, जहां भाजपा 15 साल की सरकार की तुलना पिछले 15 साल की राज्य सरकार से करेगी। आज से शुरू होगी जदयू की वर्चुअल रैली। जदयू ने आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आज से अपने वर्चुअल मुहिम की शुरुआत करने वाली है, जिसके तहत आज से दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के निश्चित संवाद की शुरुआत होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी इस पहली रैली को अपने ही दल के प्लेटफॉर्म JDULive.com से संबोधित करने वाले हैं। प्रदेश जदयू मुख्यालय में नवनिर्मित कर्पूरी सभागार में बिहार की जनता, जदयू और NDA के समर्थकों और दलों के नेताओं कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करेंगे। भागलपुर गोड्डा लाइन पैसेंजर को मिला बड़ा तोहफा। दिसंबर से भागलपुर हंसडीहा गोड्डा लाइन भारतीय रेल का नया हिस्सा होने वाला है। नई लाइन पर 6.5 किलोमीटर रेल लाइन और बिछाई जानी है। इस रेल सेक्शन पर 25 पुल पुलिया का निर्माण पूरा कर लिया गया है। लॉकडाउन के दौरान काम में थोड़ी बाधा आने की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन अब सब ठीक है। हालांकि अभी भागलपुर से गोंडा जाने के लिए सड़क ही एक माध्यम है। बिहार से झारखंड की नई रेल लाइन जोड़ने से कई जिले के लोगों को सहूलियत होगी। यहां से देश की राजधानी और दूसरे राज्यों के लिए ट्रेन चलाई जाएगी। मौसम विभाग ने 16 सितंबर तक पटना समेत कई जिलों में भारी बारिश की जताई संभावना। राजधानी पटना में बड़ी गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 16 सितंबर तक राजधानी पटना समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो 15 से 16 सितंबर तक पटना समेत पूरे सूबे में भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर NMCH में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि भारी बारिश को लेकर मेडिसिन विभाग के जल जमाव की आशंका को देखते हुए कोरोना संक्रमितों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। पटना में एक बार फिर हुआ बड़ा तबादला। राजधानी पटना में एक बार फिर से बड़े पैमाने पर तबादला किया गया है। पुलिस महकमे में भारी फेरबदल देखने को मिला है। पटना के एक दर्जन थानाध्यक्षों का स्थानांतरण इस बाबत कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली थाने के थानाध्यक्ष का स्थानांतरण उनकी जगह गर्दनीबाग थाना अध्यक्ष सुनील कुमार को कोतवाली थाना का प्रभारी बनाया गया है। वहीं थानाध्यक्ष की फेरबदल की गई है। उनमें गौरीशंकर गुप्ता को थानाध्यक्ष चौक, मुकेश कुमार पासवान को थानाध्यक्ष बाईपास, शेर सिंह यादव को थानाध्यक्ष सुल्तानगंज, सतीश कुमार सिंह को थानाध्यक्ष श्रीकृष्णपुरी, चंद्रशेखर प्रसाद गुप्ता को थानाध्यक्ष सचिवालय, अरुण कुमार को थानाध्यक्ष गर्दनीबाग बनाया गया है। इसके साथ ही अजीत कुमार शाह, अशोक कुमार, सुमन बद्री पासवान, मोहम्मद इरशाद का भी तबादला किया गया है। बिहार की एक जीविका दीदी को मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खत। बिहार में सीतामढ़ी जिले की रहने वाली जीविका दीदी रुबीना खातून ने जिले का नाम रोशन किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें पत्र लिखकर इस बात के लिए सराहा भी है और उनकी जमकर प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री का पत्र मिलने के बाद भी रुबीना काफी उत्साहित है। रुबीना खातून ने वैश्विक COVID-19 के दौर में रक्षाबंधन के मौके पर प्रधानमंत्री को मिथिला पेंटिंग का मास्क और खुद से बनाई गई राखी डाक के माध्यम से भेजी थी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने रुबीना खातून को पत्र लिखकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी थी, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने की बिहार में जान गंवाने वाले डॉक्टरों को बीमा का लाभ देने की मांग। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार ने राज्य सरकार से COVID-19 संक्रमण का सामना करने के दौरान जान गंवाने वाले सरकारी और निजी डॉक्टरों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बीमा की राशि के भुगतान की मांग की गई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार ने अपनी मांगों की पूर्ति के लिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को पत्र लिखा है। शनिवार को एसोसिएशन की तरफ से जारी किए गए पत्र में बिहार के सचिव डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया है कि IMA का मानना है कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित इस योजना को राज्य के सभी सरकारी और निजी डॉक्टर पूरा करते हैं।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से अभी तक बिहार में 28,600 लोगों को मिला रोजगार। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत एक महीने में 2200 लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया गया है। इसके तहत ऑटो रिक्शा सहित 4 सीटर से 10 सीटर तक के वाहनों की खरीद के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुदान देकर चयनित लाभुकों को रोजगार से जोड़ा गया है, जिसके बाद अब तक 28,600 लोगों को रोजगार मुहैया करवाया गया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस बात की जानकारी दी है और बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में कनेक्टिविटी तथा रोजगार देने की यह योजना मील का पत्थर बन रही है। राजनीति में आने के बावजूद पुष्पम प्रिया चौधरी के काले ड्रेस का खुला राज। अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से अपने आप को सीएम उम्मीदवार घोषित कर चुकी पुष्पम प्रिया चौधरी अक्सर काले कपड़ों में नजर आती है। वहीं उनके अवतार को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि अगर हम ब्लैक ड्रेस पहनते हैं तो यानी कि सरकार सफेद ड्रेस क्यों पहनती है? संविधान में कोई ड्रेस कोड नहीं है। अगर हमारी पार्टी जीत कर आती है तो दूसरे राज्यों की तरह इस राज्य को भी विकसित और समृद्ध किया जाएगा। बिहार में एक बार फिर से शुरू हुआ पोस्टर पर घमासान। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में पोस्टर की राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गई है, जिसके तहत राजद की तरफ से भी बीते दिन नया पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है नई सोच नया बिहार युवा सरकार अब की बार। आपको बता दें, इससे पहले जदयू ने पोस्टर जारी करके विकसित बिहार नीतीश कुमार का नारा गढ़ा था, वहीं अब राजद की तरफ से भी पोस्टर जारी करके इस खेल का शुभारंभ कर दिया गया है। राजद ने साफ तौर पर कह दिया है कि बिहार में इस बार नई सोच वाले नेता चुने जाएंगे। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से उतरेंगे तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव को लेकर राजनीति एक बार फिर शुरू हो गई है। कुछ दिनों पहले ही तेज प्रताप यादव के विधानसभा क्षेत्र को लेकर बदलाव किए जाने की संभावना जताई गई थी, वहीं अब सब कुछ साफ हो गया है। तेज प्रताप यादव ने खुद स्पष्ट कर दिया है कि उनका झुकाव हसनपुर विधानसभा क्षेत्र की तरफ है। तेज प्रताप यादव ने खुद ही इसकी जानकारी दे दी है कि वो हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में तेज संवाद करने वाले हैं। 7 सितंबर को यानी कि आज हसनपुर विधानसभा क्षेत्र जाने वाले हैं और तेज संवाद का शुभारंभ करने वाले हैं। हालांकि जानकारों के माने तो तेज प्रताप यादव को महुआ विधानसभा क्षेत्र में हार की संभावना दिखने लगी थी, यही कारण है कि उन्होंने दूसरे विधानसभा क्षेत्र का चुनाव किया है। राजद ने बूथ स्तर पर बनाया व्हाट्सएप ग्रुप। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राजद ने बूथ स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप की शुरुआत की है। राजद कार्यालय में बैठक कर कोई भी नेता एक साथ 10,000 लोगों को अब आसानी से संबोधित कर सकता है, जिसके तहत 1 घंटे की एक सभा का आयोजन करवाया जाएगा। दूसरे घंटे में दूसरे इलाके के लोकसभा से जुड़ सकते हैं। आपको बता दें, अक्सर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा किए जा रहे वर्चुअल संवाद का आयोजन करवाया जाता है, जिसके लिए पार्टी ने बूथ स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है। बड़े बूथ के ग्रुप में 35 और छोटे बूथ पर 13 से 20 लोग जोड़े जाएंगे। इसमें एक मैसेज 10 सर्कुलर रोड से निकलता है और जिलों के माध्यम से होते हुए बूथ लेवल तक पहुंच जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पटना में हर दिन 10 वर्चुअल संवाद होने की संभावना जताई गई है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करने वालों की शिकायत करने की कही बात। कोविड-19 के माहौल में आयोजित करवाए जाने वाले चुनाव को लेकर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सामाजिक दूरी और अन्य गाइडलाइन का नहीं पालन करने वालों पर सख्ती दिखाने की पेशकश की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए गाइडलाइन के तहत जो भी लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनकी शिकायत चुनाव आयोग या रिटर्निंग अधिकारियों से कर सकते हैं। संवेदनशील बूथों के संबंध में जानकारी चुनाव आयोग को देने का भी सुझाव दिया गया है। भाजपा चुनाव आयोग सेल की तरफ से 1 दिवसीय वर्चुअल कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को अति उत्साह में नहीं जाने का भी सुझाव दिया है। सोनू सूद की मुहिम के तहत बिहार के कई युवाओं को मिली नौकरी। अभिनेता सोनू सूद इस लॉकडाउन में लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं, वहीं इसी क्रम में उन्होंने बेरोजगार हुए युवाओं को भी रोजगार से जोड़ा है। 30 जुलाई को अपने जन्मदिन के मौके पर शुरू किए गए पोर्टल से उन्होंने कई प्रवासियों को रोजगार मुहैया करवाया है। अभिनेता की पहल पर गुजरात में नौकरी के अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं। युवा सोनू सूद का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे हैं। केरल और बेंगलुरु में काम कर रहे युवाओं ने बताया है कि अचानक लॉकडाउन के दौरान हमारी नौकरी चली गई थी, काफी कोशिशों के बाद भी कुछ उपाय नहीं हो सका था। आखिरकार सोनू सूद की पहल के बाद गुजरात में हमें नौकरी मिली है। आईपीएल 2020 का शेड्यूल हुआ जारी। अपने वादे अनुसार आईपीएल 2020 का नया शेड्यूल बीते दिन जारी कर दिया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अनुसार टूर्नामेंट का पहला मैच पहले से निर्धारित चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच 19 सितंबर को अबू धाबी में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से खेली जाएगी। फिलहाल लीग मैच के शेड्यूल का ही ऐलान किया गया है। प्लेऑफ की तारीख और मैच का ऐलान बाद में किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, आईपीएल के 13वें सीजन का आयोजन 19 सितंबर से शुरू होने वाला है, जो कि 10 नवंबर तक फाइनल मुकाबला खेला जाएगा।
खगड़िया में लोगों की सालों पुरानी मांग हुई पूरी। खगड़िया वासियों के लिए खुशखबरी, सालों पुरानी मांग अब खगड़िया वासियों की पूरी होने वाली है। कोसी क्षेत्र के लोगों के लिए यह दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाने वाला है। इन लोगों को यह सूचना मिली है कि NH 31 से सहरसा जाने वाली सड़क जो कि माँ कत्यानी मंदिर के रास्ते होते हुए हरदी चौघरा तक जाती है, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति पथ निर्माण विभाग ने दे दी है, जिसके बाद खगड़िया के लोगों में काफी खुशी है। इसके साथ ही सड़क के निर्माण के तहत लोगों को काफी फायदा मिलने वाला है, जिसके तहत लोग अब आसानी से सहरसा का सफर तय कर पाएंगे। DGP गुप्तेश्वर पांडे को पर्सन ऑफ द ईयर से किया जाएगा सम्मानित। बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे को जल्द ही पर्सन ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार देश के 7 करोड़ व्यापारियों की अग्रणी संस्थान कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स मध्य प्रदेश की तरफ से उन्हें यह सम्मान मुहैया करवाया जाना है, जिसकी जानकारी मध्य प्रदेश कैट अध्यक्ष भूपेंद्र जैन और बिहार कैट अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने संयुक्त रूप से दी है। उन्होंने बताया है कि DGP गुप्तेश्वर पांडे को इस अवसर पर मध्य प्रदेश के 11 लाख से अधिक व्यापारियों को व्यावसायिक गतिविधियों में पुलिस का सहयोग रुख विषय और अपना उद्बोधन भी देना है, जिसका आयोजन 9 सितंबर 2020 को शाम 4 बजे किया जाएगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है आलमगीर आलम, राहुल कुमार, डॉक्टर मीरा कुमारी, मनीष कुमार, राकेश ठाकुर, रेखा रॉय, राजीव कुमार, धर्मेंद्र कुमार, बबलू कुमार, धीरज पासवान, ललितेश्वर कुमार, रवि रंजन कुमार, कन्हैया कुमार, धर्मेंद्र कुमार, नीरज कुमार, राम विनय, दिलीप कुमार, मनीष कुमार पांडे, राहुल कुमार, विकी कुमार, कोमल कुमारी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार 19 सितंबर से शुरू होने वाले IPL के पहले मैच में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स में से किस टीम के जीतने के ज्यादा आसार है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।